हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 8 का असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आज हम लोग इसका असाइनमेंट डिस्कशन करेंगे। तो आपके पास असाइनमेंट है, आप लोग असाइनमेंट को निकाल लें, कॉपी को निकालें और मेरे समझाने के बाद आप इस वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड। ऐड मतलब हम लोग को पता है क्या होता है, जोड़। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 5 tens + 6 ones, मतलब 5 tens में अगर हम लोग 6 ones को जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो हम लोग को पता है कि टेंस का मतलब क्या होता है, तो टेंस का मतलब क्या होता है, 10 होता है। तो 5 × 10 + 6 × 1। तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि हम लोग 1 और 10 कैसे लिखे। तो वंस का ये जो वंस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, इकाई एक होता है, और ये टेंस का मतलब क्या होता है, दहाई मतलब 10 होता है। तो ये मल्टीप्लाई होगा अपने साथी के नंबर के साथ, तो ये हमारा क्या बन क्या जाएगा, 50। 5 tens मतलब 50, अगर हम लोग को ये हम लोग को पता है कि 5 tens का मतलब क्या होता है, 50 होता है, तो हम लोग डायरेक्ट 50 लिख सकते हैं। अगर ये हम लोग को संदेह हो रहा है कि ये 50 कैसे आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 × 10, क्योंकि 10 है तो 10 और 1 के लिए 1, तो हमारा क्या आएगा, 50 + 6। अब क्या करना है कि 1 को 1 के साथ जोड़ना है और 10 को 10 के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पे 0 है 1 पे और यहाँ पे 6 है, तो ये हमारा क्या बनेगा, 6। 0 + 6 मतलब 6, और 10 पे सिर्फ हमारा एक ही संख्या है, यहाँ पे 10 पे हमारा कोई संख्या नहीं है, तो ये 10 हमारा वैसे ही उतर जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 56। ये हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आप लोग नंबर 1 का बना लेंगे, ठीक इसी प्रकार से आपका बनेगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द नंबर्स नेम, मतलब न्यूमरल्स हमारा दिया हुआ है, इसका हम लोग को नाम लिखना है। जैसे कि आपका नाम हो सकता है अमित होगा, तो अमित हम लोग कैसे लिखते, AMIT अमित, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, 7 है, तो इसका स्पेलिंग क्या होता है, SEVEN, 7। फिर उसी प्रकार से 14 है, इसका स्पेलिंग क्या होगा, FORTEEN, 14। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट द न्यूमरल्स, मतलब नंबर नेम। तो अब तो हमारा यहाँ पे क्या है, नंबर नेम दिया हुआ, इसका हम लोग को न्यूमरल्स लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, 45। तो 45 में कैसे लिखते हैं, 4 and 5, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 45। ठीक उसी प्रकार से इसका सेकंड है, सेकंड में क्या हमारा, 52। तो 5 और 2 क्या होता है, 52। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कंप्लीट होगा, हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4th है हमारा, फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब खाली जगह को हम लोग को क्या करना है, भरना है। तो कैसे भरेंगे, इसका क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 more than 22 is, मतलब कि 22 में अगर एक और ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो 22 है, इसमें क्या है, एक ज्यादा है, तो ज्यादा का मतलब क्या होता है, 1 को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 2 का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 23। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 1 less than 79, अगर 79 में एक कम होगा तो क्या होगा, तो 79 है तो 79 लिखेंगे, और 1 यहाँ पे हमको क्या है, लेस है, तो घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 होगा, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो हमारा 7 का 7 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 78। अगर यहाँ पे इसका फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन है कि 2 more than 22, तो हम लोग क्या करेंगे कि 22 में हम लोग 2 को जोड़ देंगे, जितना संख्या यहाँ पे रहेगा अगर मोर देन है तो उसको हम लोग जोड़ेंगे, अगर यहाँ पे 1 की जगह कुछ और संख्या लेस है तो उसको हम क्या करेंगे, इस संख्या के साथ घटा देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राइट द न्यूमरल्स जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर और इन बिटवीन, मतलब कि अब हम लोग को क्या करना है, न्यूमरल्स लिखना है, लेकिन वैसा न्यूमरल जो कि ठीक इसके तुरंत बाद या तुरंत पहले या दो संख्याओं के बीच में जो आता है उसको लिखना है। तो यहाँ पे क्या हमारा 27 है, तो 27 के बाद ये हमारा बॉक्स है, तो ये बॉक्स कहाँ पे, इसके ठीक बाद में बॉक्स है, तो यहां से हम लोग को समझना होगा कि इसके तुरंत बाद जो संख्या आएगी उसको हम लोग लिखेंगे। तो 27 के बाद क्या आता है, 28 आता है, तो 28 हम लोग लिख देंगे।
ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड नंबर यहां पे 33 है, तो 33 से पहले मतलब बिफोर, तो 33 से पहले कौन सी संख्या आती है, तो 32 आएगा, तो हम 32 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका फिफ्थ नंबर है 22, यहाँ पे बॉक्स है, फिर 24 है, तो 22 के बाद बॉक्स कहाँ पे है, 22 के बाद, तो इसके 22 के बाद हमारा क्या आएगा, 23 आएगा, तो हम लोग 23 को लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा काउंट बाई 5 एंड फिलिंग द बॉक्सेस, मतलब कि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, 5 को ऐड करते हुए इस सारे बॉक्स को हम लोग को भरना है। यहाँ पे 5 दिया हुआ है, अगर यहाँ पे हमारा 10 रहता, 20 रहता या 8 रहता, जो भी संख्या रहता, तो उस संख्या में हम लोग क्या करते हैं, 5 को जोड़ते हैं, क्योंकि काउंट बाई 5 कह रहा है, तो 5 हम लोग 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, तो 10 लिखेंगे। 10 प्लस 5 क्या आएगा, 15, तो 15 लिखेंगे। 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन भी बनेगा, 30 है, 30 प्लस 5 35, 35 प्लस 5 40, इस प्रकार से हम लोग इसको जोड़ देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मैच द नंबर विद इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब कि अब हम लोग को क्या करना है, नंबर को मैच करना है और उस नंबर के साथ जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा उसको भी क्या करना है, मिलाना है। अब यहां पे हमारा क्या है, 52 है, ये 52 है, तो हम लोग को पता है कि ये 52 कैसे आएगा, 5 टेंस और 2 वंस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 5 टेंस था और यहाँ पे 6 वंस था, अगर इस 6 को हम लोग हटा के यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 टेंस 2 वंस, तो ये हमारा क्या हो जाता है, 50 प्लस 2 हो जाता है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे 52 है, तो 50 प्लस 2 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे, इसको हम लोग मिला देंगे। अब इसका हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म देखना है कि एक्सपेंडेड फॉर्म हमारा कहाँ पे है, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हमारा ये हो जाएगा, 5 टेंस एंड 2 वंस, मतलब 50 और 2 वंस, अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ के देखेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 52 आएगा। अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो हमारा इस फॉर्म में टूटेगा, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा, 52 निकलेगा, ठीक। उसी प्रकार से 47 है, तो 40 प्लस 7 और इसका हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पे रहेगा, ठीक। उसी प्रकार से 43 है, 40 प्लस 3 इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, 4 टेंस एंड 3 वंस, फिर 59 है, 59 का हम लोग ठीक उसी प्रकार से मिला लेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा राइट स्किप काउंटिंग, मतलब कि अब हम लोग को लिखना है लेकिन कुछ काउंटिंग को स्किप करके लिखना है। तो इसका फर्स्ट नंबर है हमारा, ये हमारा 8 का नंबर 1 क्वेश्चन है, बाई 2, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग को 2 स्किप करते हुए पढ़ना है, मतलब इसमें क्या करना है कि हम लोग को 2 जोड़ते हुए चलना है। तो 4 है, 4 के बाद क्या आता है, 5 को हम लोग स्किप कर देंगे, उसके बाद हमारा क्या आएगा, 6, तो हम लोग 6 को लिखेंगे, फिर उसी प्रकार से इसको हम लोग पूरा को भर देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, इसको आप लोग बना लेंगे, इसका एक पार्ट और है, उसको आप लोग खुद से बनाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर से हम लोग को खाली स्थान को भरना है। इसमें हम लोग कैसे भरेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, 52 है, तो हम लोग को पता है कि इसमें कितना डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, 1 इसको हम लोग वंस कहते हैं, इसको हम लोग टेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है कि कितना टेंस है इसमें, तो टेंस हमारा क्या है, सबसे पहले 5 है, तो 5 टेंस हो गया। उसके बाद पूछ रहा है कितना वंस है इसमें, तो वंस हमारा क्या है, 2 है, तो 2 वंस है। अब इसको तोड़ के हम लोग को यहाँ पे लिखना है, तो 5 टेंस हमारा क्या बन रहा है, 5 टेंस हमारा क्या बनेगा, आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया था कि 5 टेंस मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 50, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, 50, उसके बाद 2 वंस, मतलब कि वंस का मतलब क्या होता है, 1, तो 2 वंस है, 2 वंस है, मतलब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू क्या होगा, 2, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 को लिख देंगे। इसी प्रकार से इसका एक क्वेश्चन और है, ठीक इसी प्रकार से वो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट भी हमारा इसका बनेगा, उसको आप लोग खुद से बनाइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा मैच द न्यूमरल्स एंड नंबर नेम्स, मतलब कि अब हम लोग को न्यूमरल्स को नंबर नेम के साथ क्या करना है, मैच करना है।
तो ये तो काफी आसान होगा आपके लिए। यहाँ पे क्या हमारा 18 है। अब इसमें हम लोग को देखना है कि 18 का स्पेलिंग कहाँ पे लिखा हुआ है। तो 18 का स्पेलिंग हमारा कहाँ है, बी नंबर में है, इसको हम लोग बी नंबर के साथ मिला देंगे। ठीक, फिर सेकंड में क्या है हमारा 76 है, तो 76 का स्पेलिंग ए नंबर में है, इसको ए नंबर के साथ मिलाएंगे। फिर 21 का स्पेलिंग कहाँ पे है, डी नंबर में है, इसको हम लोग डी नंबर के साथ मिलाएंगे। फिर 92 का सी नंबर में, 92 का स्पेलिंग, इसको हम लोग 92 के साथ मिला देंगे। तो बच्चों इसी के साथ आपका चैप्टर 8 का जो असाइनमेंट डिस्कशन था वह समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो को पॉज करने के बाद उस चीज को बना लेंगे। धन्यवाद।